हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग BGMI या फिर फ्री फायर की शॉर्ट्स एडिट कर सकते हो। एंड आपको तो पता है कि शॉर्ट्स कितना ट्रेंड में चल रहा है एंड कितना जल्दी वायरल भी होता है, लेकिन आप लोग थक चुके होंगे, वायरल नहीं हो रहा होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे कि आप अपने व्यूज़ को भी बढ़ा सकते हो शॉर्ट्स की। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। एंड फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज के हम अपने फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज के जो हमारी फीचर चैनल है वो रेड आई डेविल है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे किसी भी वीडियो एडिटर में आ जाना। तो मैं यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले आप 9:16 रेशियो ले लेना, जो हमारी शॉर्ट्स की होती है। एंड जितना भी आपको वीडियो अपलोड मतलब साइज रखना है, 1 मिनट का या 30 सेकेंड का, उतना एक पहले ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना, ठीक है। एंड फिर अपनी आप क्लिप को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने एक गेम प्ले को वहाँ से हाईलाइट से रिकॉर्ड किया था, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ से देख लेते हैं कैसे आप लोगों को करना है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आप अपने गेम प्ले को यहाँ पे ऐड कर लेना। एंड शॉर्ट्स ओवरले अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो वो भी जाके आप बना सकते हो। मैंने 2-4 वीडियो बना के रखा है, तो आप सिंपली सर्च करना सस्टेक शॉर्ट्स ओवरले, एनिमेटेड नॉन एनिमेटेड आपको दोनों मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आपको मन करता हो वो यूज़ कर लेना, ठीक है। एंड उस ये वाला देख लो, ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड अब अपने क्लिप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लाइक शॉर्ट्स ओवर लेके बीच में इसको फिट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि स्केल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे इसकी स्केल को हम इंक्रीज़ करेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा फिट हो चुका है शॉर्ट्स के बीच में। देख लो जितना स्पेस खाली है ना हमारा ओवरले का, उसके बीच में यहाँ पे हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्लचेस अपलोड कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे फनी भी कर सकते हो, जो आपको मन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लचेस में क्या होता है ना कि सिंपली यहाँ पे हम क्लचेस में बैक टू बैक जो हमारी किल्स होते हैं ना वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि हमारे 1 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, उसी में हमें सब चीज़ दिखाना पड़ता है। तो लाइक यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे मैंने कैसे 1v4 किया है, 1v5 किया है, आप यहाँ पे आराम मतलब बोल सकते हो। एंड उसके बाद अपने क्लचेस को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख लूँ सिंपली यहाँ पे बैक टू बैक जो हमारे क्लचेस है ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट कर लेता हूँ, जो बीच के अनवांटेड पार्ट है वो हम यहाँ पे हटा लेंगे, क्योंकि उससे ऑडियंस बोर भी होंगे, इसलिए अनवांटेड पार्ट को हमें तो रखना ही नहीं है। ये एक एक मेन पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। आप फनी भी अपलोड करते हो ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट करना, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर मेरा मतलब किल हो चुका है, देखो सेकेंड किल। फिर यहाँ पे किल ख़त्म होते ही यहाँ पे मैं फिर से इसे ट्रिम कर लूँगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोग को फनी अपलोड करना है उन लोग के लिए क्या है कि आप मीम्स यूज़ करना यार, मीम्स साउंड पैक, ये दो चीज़ ज़रूर यूज़ करना। इससे क्या होगा कि ऑडियंस की रिटेंशन बने रहेगी आपके शॉर्ट्स में, एंड थोड़ा सा देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि फ़नी में जितना फ़नी आप कर रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो फ़नी के लिए आपको मीम्स या साउंड पैक बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, नॉन कॉपीराइट, बहुत बंदों ने फ्री में अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको अपने शॉर्ट्स में, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ऐसे सोच रहे हो कि जस्ट यहां पे एडिट करके अपलोड कर दिया एंड रिजल्ट मिल जाए, थोड़ा सा आपको ज्यादा व्यूज पाने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हमने यहाँ पे सब कुछ क्लचेस वगैरह को हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे सिंपली देखो फर्स्ट किल यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम सेकंड किल में यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपलोड सॉरी एडिट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात शॉर्ट्स ओवर लेके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 2-4 वीडियो भी डाल रखा है, तो आप जाके वो क्रिएट कर लेना अगर आपको शॉर्ट्स ओवरले लगाना है तो। और बाकी का देख लो, इसी तरीके से आप एडिट कर सकते हो। एंड और भी कुछ चीज़ें ऐड है, लाइक यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह ऐड करना चाहते हो, क्लचेस वगैरह में मेनली सॉन्ग वगैरह ऐड कर सकते हो, पॉपुलर जो चल रहे होते हैं तो वो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहीं तक हमारा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हाँ, अपने गेम प्ले का सैचुरेशन ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा सा आप देख लेना कि किससे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हर लोकेशन पे अलग अलग सैचुरेशन वगैरह ये सब सही लगता है। तो ज़्यादा सैचुरेशन नहीं करना, ज़्यादा वो दिखने लगेगा पीला पीला टाइप का, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कितना सही लगता है। उसके बाद से यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर सिंपली क्या करना कि आप एक्सपोर्ट कर लेना। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद एक और चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस कि देखो, एक शॉट, दो शॉट, आप BGMI कितना देर खेलते हो या फिर फायर कितना देर खेलते हो, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो रोज़ खेलते ही होगे यार। 2 घंटे खेलते होगे तो 2 घंटे में
कम से कम ऐसा वीडियो बनाओ कि 2 घंटे में 2 या 3 शॉर्ट्स आप निकाल ही लो, ठीक है। 2 या 3 शॉर्ट्स रोज अपलोड करो, देखो धीरे धीरे आपके व्यूज़ में इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद कुछ दिन ऐसा होगा। एंड हाँ, एडिट भी अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ एडिट करके अपलोड कर लिया, एडिट अच्छे से करना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।